क्लिप्स में स्वागत है आपका बस देखते रहो और सीखते रहो मैदे को लेकर आपकी क्या राय मैदा में फाइबर नहीं होता तो वो हम प्रिफर नहीं करते देने के लिए बट अगर कोई आता है हमारे पास वो बोलता है कि हमको तो व्हाइट ब्रेड ही खाना है हम ब्राउन ब्रेड नहीं खाना चाहते आई सेट गो हेड क्योंकि आपको एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ ब्राउन ब्रेड एंड वाइट ब्रेड के बारे में आपने कभी थिनली स्लाइस्ड ब्राउन ब्रेड देखा है थिनली स्लाइस्ड वाइट ब्रेड तो अगर आप दो टोस्ट खाते हो अगर आप वाइट टोस्ट खाओगे उसकी जगह आपने उसको चेंज करके होल व्हीट ब्रेड कर दिया तो आपको पता है आप ऑलमोस्ट डबल या एटलीस्ट हाफ टाइम्स मोर कैलोरीज खा रहे हो फर्स्टली hmm. कैलोरीज ज़्यादा होती हैं होल वीट ब्रेड में सेकेंडली उसमें केमिकल्स ये जो प्रेजर्वेटिव ज़्यादा होते हैं बिकॉज होल वीट ब्रेड में जो गेहूं का कर्नल जो बोलते हैं सीड होता है और उसकी वजह से उसकी रैंस मतलब वो जल्दी ख़राब हो जाता है तो उसको स्टेबलाइज़ करने के लिए उसमें ज़्यादा स्टेबलाइजिंग एजेंट डालने पड़ते हैं तो आपको पता है कि होल वीट ब्रेड में ज़्यादा वो सब होते हैं जो कि वाइट ब्रेड में नहीं होते विच इज़ नेचुरली उसमें ज़रूरत ही नहीं होती स्टेबलाइजिंग जान डालने क्योंकि उसमें वो व्हीट का कर्नल नहीं होता सेकेंड पॉइंट थर्ड पॉइंट आपको पता है कि होल व्हीट ब्रेड में उनको ग्लूटेन का पाउडर डालना पड़ता है टू हैव दाँ कि उसकी स्पॉन्जीनेस के लिए hmm. जो कि मैदे के ब्रेड में नहीं होता तो एक्चुअली यू आर टेकिंग मोर ग्लूटेन एज अ पाउडर इन होल व्हीट ब्रेड देन यू आर टेकिंग फॉर वाइट ब्रेड तो एक तो हो गया कैलोरीज भी ज़्यादा दूसरा हो गया केमिकल्स भी ज़्यादा तीसरा उसमें शुगर भी ज़्यादा होता है क्योंकि नेचुरली इतना मीठा नहीं होता मैदे की वजह से तो आपने शुगर भी ज़्यादा होता है और तीसरा पैसे भी ज़्यादा होते हैं और चौथा फोर्थ या फिफ्थ वट एवर पॉइंट आप अगर आपके घर में अगर स्टाफ है और आपने अगर ब्राउन ब्रेड मंगाया है वो अपने लिए वाइट ब्रेड ही मंगाएगा hmm. वो ब्राउन ब्रेड नहीं खाएगा या होल व्हीट ब्रेड नहीं खाएगा तो आपको चार दिन का पुराना होल वीट ब्रेड खिलाते रहेगा और वाइट ब्रेड आपका रोज़ वो नया मंगाएगा okay, hmm. क्योंकि वो ख़त्म हो जाएगा तो मैं सबको ये कहती हूँ कि इसमें वाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड में इतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि फाइबर जो है जिसके लिए होल वीट ब्रेड खा रहे हो इट इज़ इक्विवेलेंट टू मे बी टू स्लाइसेज ऑफ एप्पल वो तो आप टू स्लाइस एप्पल खा लो वो फाइबर hmm. के लिए तो ब्रेड को लेकर आई डोंट नो मैं ये बात शायद मैं कल्चरली भी कह रहा हूँ क्योंकि

और बहुत टेस्टी रहता है <laughs> इतना टेस्टी क्यों है वो वेल बिकॉज़ उसमें यीस्ट नहीं होता और वो नेचुरल रूप से फर्मेंट किया जाता है तो बहुत अच्छा होता है सावरडो उसमें यीस्ट के कुछ अब खुद के अपने प्रॉब्लम्स होते हैं तो आ, मैं मानती हूँ कि अगर मुझे चॉइस मिला जाए रोटी खाना है ब्रेड खाना खाना है तो मैं हमेशा रोटी ही चूज़ करूँगी बिकॉज़ वो उसमें आ, सोडियम नहीं होता रोटी जी. में अगर नमक नहीं डाल के बनाया उसमें प्रेजर्वेटिव नहीं होता जिससे कि और फर्मेंटेड नहीं होता रोटी नॉर्मल होता है जो कि ब्रेड में वो सब होता है तो हमेशा ब्रेड वर्सेस रोटी में रोटी ब्रेड वर्सेस सावरडो में सावरडो ओके दैट्स ऑल अगर आपको यह क्लिप अच्छा लगा तो ऐसे ही हजार क्लिप्स अपलोड किए गए इस चैनल पर बस देखते जाओ और सीखते जाओ